इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन एग्जैक्ट मिडल में पहुंच गया है अपने, और क्वाइट पॉसिबली ये आज तक का सबसे कंपेटिटिव सीजन रहा है। करंटली चार टीमें हैं एकदम मिडल में 8 पॉइंट्स पे, जो बॉटम तीन है वो भी 4-4 पॉइंट्स खींच चुके हैं, जो टॉप पे 2 टीम्स हैं उन दोनों ने 10-10 पॉइंट्स तो लिए हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई टीम लीग के साथ निकल गई है अभी से। सारी टीम्स अपने 7-7 मैचेस खेल चुकी हैं और ये एक अच्छा सॉलिड पॉइंट है एक मिड सीजन छोटा सा रिव्यू करने का, और क्वाइट पॉसिबली ये सोचने का कि क्या इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ये सीजन आज तक का सबसे बढ़िया आईपीएल सीजन रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स। आज बात कर रहे हैं आईपीएल 2023 सीजन के फर्स्ट हाफ की, टॉप परफॉर्मेंसेस की, किस टीम ने डिसअपॉइंट किया, किसने एक्चुअली सरप्राइज किया, और क्या लग रहा है आने वाले सेकेंड हाफ के लिए। लेट्स गो, शुरू करते हैं नीचे से। बॉटम पे है अभी दिल्ली कैपिटल्स, और इस टीम ने जितना पॉसिबली खराब हो सकता था स्टार्ट उतना खराब स्टार्ट किया, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा स्टार्ट इनका खराब रहा है। बॉलिंग इनकी क्लिक हो नहीं रही, फास्ट बॉलिंग तो पता नहीं क्या ही चल रहा था पहले 5 मैचेस में। स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे, बट सारी टीम्स को पता था ये 2 स्पिनर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के अलावा कुछ बहुत ज्यादा इनके पास है नहीं, तो उनको आराम से खेल जा रहे थे, फिर बाकी सब पे रन मार रहे थे। बैटिंग डेविड वार्नर के अलावा लिटरली कोई कुछ करके राजी नहीं था, और डेविड वार्नर को भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था उनके स्लो स्ट्राइक रेट के लिए और वो सब। एंड किसी तरह ये लोग पिछले 2 मैचेस जीते हैं फाइनली, पहले 5 मैच हारने के बाद लगातार दोनों क्लोज विक्ट्रीज, दोनों कम रन थे दोनों मैचेस में, और किसी तरह ये लोग जीते हैं। पर ये जो 2 विक्ट्रीज हैं ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगी इनको, और काफी इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेटअप करके देंगी कि चलो थोड़ा सा बिल्डअप कर सके उस पर। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम कुछ अलग कर जाएंगे, फॉर्चून पलट जाएंगे, क्योंकि टीम अभी भी वही है, काफी सारे होल्स हैं इस टीम में, नॉट जस्ट ऋषभ पंत उनके अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से, पर उसके अलावा भी बहुत सारी कमियां हैं टीम में इस पॉइंट पे। पर एटलीस्ट कुछ तो एक मोमेंटम बन रहा है इनका, किसी तरह 2 बहुत हार्ड फॉट विक्ट्रीज आई हैं इनके पास, तो वो एक बहुत बड़ा सॉलिड पॉइंट होने वाला है। प्लेयर्स की अगर बात करें तो डेविड वार्नर की हमने बात की, वो बंदा इकलौता बेचारा लगा हुआ है दिल्ली की बैटिंग खींचने में, ठीक है बहुत स्लो खेल रहे हैं बट क्या करे वो आदमी, बाकी सारे आउट होके चले जा रहे हैं तो कोई तो रुकेगा ना, और रुकने में ही उनका स्ट्राइक रेट भी स्लो हो जाता है बेचारे का। तो अगेन उन्होंने काफी अच्छा किया है बेचारे ने अपनी तरफ से। अभी करंटली जो पिछला मैच था, मुकेश कुमार ने लास्ट ओवर डाला, बहुत बढ़िया लास्ट ओवर डाला, कुछ 10-11 रन डिफेंड कर लिए थे उन्होंने काफी अच्छे से, वो भी एक उनको कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा। मुकेश कुमार धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस, और आई होप आगे पूरा सीजन में अच्छा करें, वो इंडिया के लिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं वो। ईशान शर्मा कहां से आए वापस पता नहीं किसी को, पर वापस आते ही बहुत बढ़िया किया है, पिछले 2 मैचेस जो दिल्ली जीती है दोनों में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो ये एक कॉमन थीम है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने काफी अच्छा कमबैक मारा है इस सीजन में, आगे हम और भी प्लेयर्स की बात करेंगे, पर ईशान शर्मा ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। सेम गोज फॉर मनीष पांडे, अगेन एक्सपीरियंस, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है, पिछले 2-3 मैचेस में काफी इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले उन्होंने, तो ये एक अच्छा धीरे धीरे करके कुछ प्लेयर्स अपना अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कहीं कहीं टीम को हेल्प करने के लिए। पर अभी तक के स्टार दिल्ली के लिए रहे हैं अक्षर पटेल, उस आदमी ने जितना वो कर सकता था उतना किया है, वो बॉलिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग वो बहुत ज्यादा अच्छी कर रहे हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर, और मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ इंडियन T20 टीम में उनको और जडेजा को आप इकट्ठा खिला सकते हो, जिस हिसाब की बैटिंग कर रहे हैं अक्षर पटेल, जिस हिसाब से उन्होंने डेवलप कर लिया अपने आपको एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, उनको और जडेजा को आप इकट्ठा खिला सकते हो, तो इस सीजन में वो ऑलरेडी ये प्रूव कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट अगर बात करूं इस टीम के लिए, पृथ्वी शॉ से काफी कुछ एक्सपेक्टेड था, ये एक बात हो रही थी कि बाकी बैटिंग यूनिट उतना अच्छा नहीं लग रहा, पर डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ये बहुत सॉलिड ओपनिंग कॉम्बो होगा, पर पृथ्वी शॉ ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, वो अच्छा डिसेंट फॉर्म पकड़ के आए थे इस सीजन में, उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये सीजन को वो यूज करेंगे अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया रेकनिंग में, वो उनसे हो नहीं पाया एंड वहां पे ये टीम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगी उनसे। बेसिकली अगर बात करें आज तक के आईपीएल की हिस्ट्री में, सिर्फ एक टीम है मुंबई इंडियंस जो कि पहले 5 मैच हार के भी प्लेऑफ तक पहुंच गई थी किसी तरह 2014 में, वैसा करने के लिए बहुत सॉलिड परफॉर्मेंसेस मारनी पड़ेंगे दिल्ली को, अभी दिख नहीं रहा, पर अगेन कुछ अगर डिसेंट रन निकाल लिए इन्होंने, कुछ अगर एक अच्छा मोमेंटम बना लिया, 3-4 मैचेस और खींच गए, तो आपको पता नहीं कुछ भी हो। फिर आते हैं सेकेंड लास्ट 9th नंबर,
सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल शुरू होने से पहले ही ये टीम से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। ऑन पेपर ये टीम बहुत ज्यादा सॉलिड लग रही थी। आपके पास एक अच्छा इंडियन कोर था, इंडियन बैटर्स आपके पास बहुत बढ़िया थे, इंडियन बोलिंग आपके पास बहुत बढ़िया थी, आपके पास जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो बहुत सॉलिड वाले थे, आपके कैप्टन एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ आ रहे थे, कैप्टनसी रिकॉर्ड के साथ इस टीम में आ रहे थे एडन माकरम। इनफैक्ट ऑन पेपर ये टीम टॉप फोर कंटेंडर्स तो लग ही रहे थे एंड एक आउटसाइड शॉट था, हमने इनफैक्ट प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे, पर मैसिवली डिसअपॉइंट किया इस टीम ने। सबसे बड़ा इशू रहा है कि इस टीम का सिलेक्शन ही नहीं समझ आ रहा किसी को, कि इतना ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रहा है, एक कंसिस्टेंट टीम नहीं दिख रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नहीं दिख रही हैं। इंडियन जो बैटर्स से आपको उम्मीदें थी, आपके मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, इस टाइप के प्लेयर्स से आपको काफी उम्मीद थी कि कुछ कर जाएंगे, अभिषेक शर्मा इनफैक्ट, पर इन सब ने कुछ बहुत एक्चुअली हेल्प नहीं किया टीम को किसी भी पॉइंट पे। राहुल त्रिपाठी ने एक शायद अच्छी इनिंग खेली अभी तक एंड उस चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगी टीम। बॉलिंग भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी क्लिक नहीं कर रही है, नटराजन वगैरह से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, भुवनेश्वर कुमार ने एक दो मैचेस में अच्छा किया है, पर सात मैच का कंसिस्टेंसी अभी तक आई नहीं है किसी भी यूनिट से। ओपनिंग सिलेक्शंस की अगर बात कर लो तो इतने सारे अलग अलग ओपनिंग कॉम्बोज ट्राई कर चुके हैं। हैरी ब्रूक जो इनको उन्होंने इतना महंगा में खरीदा था, वो एक सेंचुरी मार चुके हैं ऑलरेडी सात मैचेस में, पर एक्चुअली उस सेंचुरी के अलावा लिटरली कुछ और नहीं किया उन्होंने, और सेंचुरी के बाद एकदम से फट के पड़े थे कि इंडियन फैंस हैं यहाँ पे, इंडियन फैंस बकवास करते हैं मेरे बारे में, मैंने उनको शट अप कर दिया, उससे पहले आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, तो ऐसी बात है ना, तीन चार परफॉर्मेंसेज के बाद बोलनी होती है, एक परफॉर्मेंस के बाद बोलने में अजीब हो जाता है थोड़ा सा अगर आप उसके बाद बैकअप ना करो उसको। बोलिंग यूनिट उतना अच्छा क्लिक नहीं किया, स्पिन बोलिंग की हमने पहले भी जब हमने इस टीम का प्रीव्यू किया था हमने बात की थी कि स्पिन बोलिंग एक शायद थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है, और वो रही है वीकनेस, वो उतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर पा रहे अपने स्पिन बोलिंग यूनिट पे। एंड ओवरऑल अगेन जो सिलेक्शन का कंफ्यूजन चल रहा है, कॉम्बिनेशंस का, बैटिंग ऑर्डर का, वो अगर शॉर्ट नहीं किया तो ये टीम काफी मुश्किल में रहेगी और ये टीम टॉप फोर के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। एंड अगर इन्होंने कुछ करना है तो ये सारे इश्यूज बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। फिर आते हैं पॉइंट्स टेबल पे नंबर 8, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स से इनफैक्ट ये हैदराबाद का उल्टा है, हैदराबाद से एक्सपेक्टेशन थी आपको, कोलकाता से आपको एक्सपेक्टेशन थी नहीं। ये टीम ऑन पेपर भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी दिख नहीं रही थी, आपका बैटिंग यूनिट कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था, बोलिंग में स्पिन बोलिंग बहुत सॉलिड है नो डाउट, बट स्पिन बोलिंग के अलावा फास्ट बोलिंग वगैरह के ऑप्शंस कुछ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं थे। कैप्टन आपके ऑलरेडी इंजरी के चक्कर में बाहर हो गए थे टूर्नामेंट से पहले ही, तो काफी सारे इश्यूज थे। ये लोग सात में से अभी तक दो मैचेस जीते हैं एंड वेरी ऑनेस्ट इनमें से किसी से भी जाके पूछ लो इन्हें भी नहीं पता होगा कैसे जीते। पहली इनकी जीत थी आरसीबी के अगेंस्ट, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट, वो भी ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट थे ये लोग, बैटिंग फेल हो चुकी थी, शार्दुल ठाकुर एकदम से एंड में आके पागल हो गए, कुछ पता नहीं 20-25 बॉल में 60-70 रन बना दिए उन्होंने। फिर उसके बाद जो अगली जीत थी गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, वो भी लिटरली मिराकुलस कभी ना होने वाली चीज थी, आखिरी ओवर में आपको 31 रन चाहिए आपने बना दिए, 5 छक्के मारे रिंकू सिंह ने आखिरी 5 ओवरों पे, ये होता नहीं है कभी। एंड लिटरली वो जो बहुत रूड लगता है बोलते हुए पर वो तुक्के वाली बात है, और ये तुक्का दिख रहा है इनके रिकॉर्ड में, इनके अभी तक के परफॉर्मेंसेस। अगेन इनकी भी वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सिलेक्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इनके, इनफैक्ट इतने सारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन ये लोग ट्राई कर चुके हैं, आपको आप एक्चुअली नहीं बता सकते हो कि अगले मैच में ओपन कौन करेगा। थोड़े बहुत प्लेयर्स ने अपना हाथ खड़ा किया, थोड़े बहुत प्लेयर्स कुछ कुछ टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर ने 2008 के बाद पहली सेंचुरी मारी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, वो ब्रेंडन मैक्कुलम की फेमस सेंचुरी के बाद आज तक केकेआर के लिए किसी ने सेंचुरी नहीं मारी थी, वेंकटेश अय्यर ने मारी, वो मैच हार गए वो अलग बात है। उसके अलावा आपके जेसन रॉय आए हैं टीम में एज ए रिप्लेसमेंट, इंजरी रिप्लेसमेंट, वो अच्छा कर रहे हैं पर उनको भी इंजरी कंसर्न्स हैं अभी। रिंकू सिंह इस टीम का, इस सीजन का बड़ा एक सरप्राइज पैकेज कह लो, सबसे इम्प्रूव प्लेयर कह लो, टॉप परफॉर्मर कह लो, उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया पर उनके आसपास कुछ अच्छा होता दिख नहीं था। स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती पिछले साल थोड़े से ठंडे थे, इस साल अच्छा कमबैक मारा उन्होंने, सुनील नारायण को आप कभी काउंट आउट कर ही नहीं सकते हो, सुरेश शर्मा सरप्राइज पैकेज, लिटरली वो कोई फर्स्ट क्लास गेम भी नहीं खेले, कहां से ये लोग पकड़ के लाए उन्हें पता नहीं, बट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर ये चार पांच प्लेयर्स के अलावा कुछ एक्चुअली यूनिट नहीं दिख रहा, बहुत एक मडल्ड सा पूल दिख रहा है ये पूरी टीम, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगला मैच इनका आरसीबी के अगेंस्ट है, फिर से
वो इस बार आरसीबी के होम ग्राउंड पे, और वहां पे केकेआर आज तक 2016 के बाद से कभी हारी नहीं है, तो वो एक अच्छा इनके पास कॉन्फिडेंस रहेगा मे बी रिकॉर्ड का कि हाँ यहाँ पे हम अच्छा करते हैं। पर ओवरऑल चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं और एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं आता इस टीम में। आप बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, कहीं आप ये शॉर्ट शॉर्ट नहीं कह सकते हो कि ये तीन चार चीजें इकट्ठे चल गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आंड्रे रसल ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, उनकी बैटिंग से बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, वो उतना ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए अभी तक। केकेआर को बहुत काम करने की जरूरत है अगर इन्होंने इस सीजन से कुछ भी निकालना है तो। एंड ऑनेस्टली अगेन मेरा ओपिनियन एटलीस्ट होता नहीं लग रहा कुछ। बेसिकली अगर हम बॉटम तीन की अगर बात करें तो एक कॉमन थ्रेड निकलता है कि जी सारा एक कंफ्यूज मडल सा बना हुआ है सिलेक्शन में, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन में क्लैरिटी नहीं है टीम के, और इस टाइप का कुछ भी होता है तो आप टीम में से अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर एक कॉमन थ्रेड और निकलता है, कंफ्यूजिंग टीम सिलेक्शन से आपका आता है कंफ्यूजिंग परफॉर्मेंस। कंफ्यूजिंग परफॉर्मेंसेस में सबसे ऊपर नाम आता है नंबर 7 टीम का, मुंबई इंडियंस, आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम आज तक की। पिछला साल इनका काफी खराब रहा, बॉटम पे फिनिश किए, ये साल उतना खराब नहीं रहा है पर कुछ बहुत अच्छा भी नहीं होता लग रहा है इस टीम के साथ। इस टीम का बैटिंग यूनिट बहुत ज्यादा अच्छा है पर समहाउ कंसिस्टेंटली ये लोग परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे। इस टीम की शुरुआत काफी स्लो हुई थी, पहले 2 मैच हारे, तबीयत से हारे, फिर उसके बाद 3 लगातार जीते, उसके बाद फिर 2 हार गए। बेसिकली टीम भरी हुई है स्टार से, एटलीस्ट बैटिंग की अगर बात करें तो स्टार से भरी हुई है, पर क्लिक नहीं कर रहे हैं ये लोग इकट्ठे, तो कभी भी नहीं क्लिक कर रहे हैं ये लोग। वहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, अगर ये चीज सॉर्ट नहीं हुई तो ये टीम इस साल भी डिसअपॉइंट करके जाएगी। बॉलिंग की हमने पहले ही बात की थी सीजन के शुरू होने से कि थोड़े बहुत कंसर्न है बॉलिंग में, बुमराह आपके पास अवेलेबल नहीं है, आर्चर इंजरी से वापस आ रहे हैं, और आर्चर की इंजरी से वापस आने के बाद भी कुछ कंसिस्टेंटली वो खेल नहीं पाए हैं, अच्छा बुरा बाद में बात, कंसिस्टेंटली मैचेस नहीं दे पाए हैं वो अभी तक टीम को, कुछ इश्यूज होते जा रहे हैं उनके साथ, तो वहां पे एक बॉलिंग डिप्लीट हो जाती है आपकी इमीडिएटली। पीयूष चावला एज अ सरप्राइज पैकेज निकल के आए हैं, अगेन एक और एक्सपीरियंस नाम जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से वापस आके इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट इस टीम के बेस्ट बॉलर रहे हैं वो। पर उसके अलावा बॉलिंग तो आपकी बहुत ही खराब रही है मुंबई इंडियंस की, इनफैक्ट इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सारी 10 की 10 टीमों को अगर देखें रिकॉर्ड, आखिरी 5 ओवर का बॉलिंग में आखिरी 5 ओवर का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा है मुंबई इंडियंस का, कुछ 12-13 का इनका इकोनॉमी रेट है आखिरी 5 ओवर में। तो बेसिकली आप हर मैच में कुछ 60-70 रन दे रहे हो टीम्स को सामने, तो इमीडिएटली आप डिफ्लेट हो जाते हो और इमीडिएटली आपके पास एक चैलेंज बन जाता है आपकी बैटिंग यूनिट के, जो बैटिंग यूनिट ऑलरेडी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। रोहित शर्मा का काफी टाइम से मुंबई इंडियंस के लिए खराब फॉर्म चल रहा है, इस साल भी अभी तक 1-2 इनिंग्स डिसेंट रही है पर ओवरऑल कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। ईशान किशन कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। सूर्य कुमार यादव जिनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है, जो इनफैक्ट आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया के बेस्ट T20 बैट्समैन उनको आप गिन सकते हो, पर वो भी अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आप प्लेयर्स की बात करो तो कैमरन ग्रीन हो गए, टिम डेविड हो गए, ये पूरा बैटिंग यूनिट अच्छे से क्लिक नहीं कर रहा है एंड वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है। जो ये मैचेस जीते भी हैं वो भी अपने बैटिंग के बल पे ही जीते हैं, एंड जहां पे बैटिंग उतनी अच्छी क्लिक नहीं हो पा रही है वहां पे आप बॉलिंग पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस मुंबई इंडियंस टीम। तिलक वर्मा अगेन पिछले साल भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस साल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर 20 साल की उम्र में उस लड़के पे आप हर मैच में डिपेंड नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं चाहिए, इतना प्रेशर उस पर क्यों डालना है आपने, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तिलक वर्मा फ्यूचर इंडिया प्रॉस्पेक्ट है फॉर श्योर, और बहुत जल्द हम आई एम श्योर देखेंगे उनको इंडियन कलर्स में, पर अभी के लिए बहुत ज्यादा उनके ऊपर है, बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर है, एंड अगर इस तरह की बॉलिंग रही, इस तरह का बॉलिंग यूनिट, इस तरह का बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा इस टीम का, तो प्लेऑफ इस साल भी होता लग नहीं रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब बारी आती है पंजाब किंग्स। हमने अपने प्रीव्यू वीडियो में बात की थी कि ये टीम जो मर्जी करे इस साल बस 6th ना फिनिश करे। एट दिस पॉइंट इन टाइम करंटली मिड सीजन पे ये लोग फिर से 6th है, ठीक है वो अलग बात है कि 3, 4, 5, 6 सारे 8 पॉइंट्स पे है, पर पंजाब किंग्स फिर से 6th पे है। क्यों, कैसे, एक हार जाओ नीचे आ जाओ थोड़ा सा प्लीज, आगे कुछ कर लो। अभी तक ये लोग 4 मैचेस जीते हैं एंड चारों मैचेस काफी काफी क्लोज बैटल्स थे, काफी ऐसा
एक भी मैच ऐसा नहीं लगा कि कंफर्टेबली जीत गए, सामने वालों को एकदम धुआं कर दिया। वो एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा कि आपके चार विक्ट्रीज में से एक तो एक थोड़ा सा डोमिनेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए था अब तक। पूरी अगर परफॉर्मेंसेस की बात करूं, पूरी अगर टीम की बात करें, तो ऑलमोस्ट एक एवरेज सा चल रहा है इनका ग्राफ। बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, खराब परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। इनका बॉलिंग यूनिट अच्छा है, अभी फास्ट बॉलिंग अच्छी हो रही है इनकी। स्पिन बॉलिंग से जितनी इनको उम्मीद थी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है। राहुल चहर ठीक कर रहे हैं, इकोनॉमी सही रह रही है उनकी, रन रोक रहे हैं, पर विकेट्स उतने नहीं ले पा रहे हैं जितना एक्सपेक्टेड था टीम को। फास्ट बॉलिंग की अगर बात करूं तो हर्षदीप सिंह बहुत बढ़िया कर रहे हैं, विकेट्स तोड़ रहा है अगला, 24-24 लाख की स्टंप दो दो बॉलों में तोड़ रहा है वो। पर उसके अलावा अगर आप फॉरेन प्लेयर्स की बात करो, इनका जो फॉरेन यूनिट है उसकी बात करो, उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी इनको, वो उतनी ज्यादा अभी तक एक्चुअली फूट नहीं कर पाई है। सैम करन ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है अभी तक, एज एन ऑलराउंडर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। पिछले 2-3 मैचेस में जब शिखर धवन को कुछ इंजरी हो रखी है तो सैम करन ने लीड भी टीम को अच्छे से किया है। पर सैम करन के अलावा आपका जो बाकी फॉरेन यूनिट है वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया अभी तक, और वहां पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है ये लोग। इंडियन यूनिट इनका अच्छा कर रहा है, हरदीप सिंह की हमने बात की, शाहरुख खान ने 1-2 मैचेस जिताए हैं अपने फिनिशिंग एबिलिटी से, जितेश शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, इवन हरप्रीत भाटिया, ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर इनको अगर कुछ करना है इस सीजन में तो अपने स्टार्स से इनको और ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। शिखर धवन ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, बैटिंग अच्छी कर रहे थे, वो ऑरेंज कैप रेस में भी थे शुरू में, पर उनको कुछ शोल्डर इंजरीज हो रखी है अभी, कब वापस आएंगे वो क्लैरिटी नहीं है। बट आई एम श्योर पंजाब किंग्स होप करेंगे कि जल्दी वापस आए, क्योंकि एक सॉलिडिटी हो जाती है इनके पास जब शिखर धवन खेल रहे होते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर में। बाकी आप देखो लियाम लिविंगस्टन की अगर बात करें, इनके स्टार ऑलराउंडर, वो इंजरी से वापस आए हैं और अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि इनफैक्ट पूरी तरह वापस आए हैं, बस वो हैं अभी टीम में, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रबाडा से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, थोड़ा बहुत निगल्स हैं उनको, थोड़े बहुत इंजरीज, छोटे मोटे, फॉर्म भी उनका कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो उनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये वापस आए फॉर्म में और अच्छा करके दें टीम को। बाकी एक जो थोड़ा सा कंसर्न है इनका, सिकंदर रजा को इनको खिलाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। सिकंदर रजा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एक मैच जिताया भी उन्होंने अपने बैटिंग के, मैन ऑफ द मैच बने, फिर उसके बाद अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया। मैथ्यू शॉट को आप शायद बाहर बिठा सकते हो, मैथ्यू शॉट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया अभी तक, एंड इन पिचेस पे मैथ्यू शॉट प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है अभी इन एक्सपीरियंस, उस पिच पे, उस टाइप के पिच पे खेलने का उनको एक्सपीरियंस है। इन पिचेस पे वो उतना अच्छा अडैप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड सिकंदर रजा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये टीम अगर सिकंदर रजा को एक रोल दे पाए, जो आपके चार फॉरेन स्टार्टर हैं उसमें से आपको कहीं ना कहीं खिला पाए, तो वो एक बड़ा बूस्ट हो जाएगा इस टीम के लिए, तो वहां पे इन्हें थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल अगर बात करें, अभी पोटेंशियल है इस टीम के पास अपने परफॉर्मेंसेस और 1-2 लेवल ऊपर करने का, और अगर वो कर लेते हैं थोड़े बहुत जो सिलेक्शन इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके, तो ये टीम एक्चुअली प्लेऑफ के लिए चैलेंज कर सकती है। एंड आई एम होपिंग अगेन, प्लीज 6 मत फिनिश करना बस इस बार, कुछ हो जाए। फिर आते हैं नंबर 5, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये वो टीम है जो अगेन अपनी कंसिस्टेंसी के लिए नहीं जानी जाती, और वही हो रहा है इस सीजन भी। पहला मैच जीते, फिर 2 हार गए, फिर 1 जीते, फिर 1 हारे, फिर 2 जीते हैं लगातार कैसे तैसे करके। एक तो ये लोग जीता हुआ मैच हार गए थे लखनऊ के अगेंस्ट, एंड इस टीम को अगर देख के, इसकी परफॉर्मेंस को देख के, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट। एक टाइम था जब आरसीबी का एक वो बहुत बड़ा एक नोन फैक्टर था कि ये बहुत ज्यादा ओवर रिलायंट है 3 प्लेयर्स पे, विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स। हम शायद एक टाइम लूप में है, प्लेयर्स थोड़े से बदले हैं, पर हम वहीं पे उसी फैक्टर पे फिर वापस आ गए। ये लोग फिर से 3 प्लेयर्स पर रिलायंट है, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल। आप अगर देखो इस सीजन में करंटली इन तीनों ने मिलके 75% रन स्कोर किए हैं अभी तक, जितने टोटल टीम ने स्कोर किए हैं पूरे टूर्नामेंट में 7 मैचेस में। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड एट दिस पॉइंट सब टीमों को पता है इन 3 में से आपको, आपने 2 को भी जल्दी आउट कर लिया तो खत्म। इनका मिडिल ऑर्डर लिटरली परफॉर्म करके नहीं दे रहा, ठीक है बहुत ज्यादा शुरू शुरू में चांसेस भी नहीं मिल रहे थे, ये बाकी 3 अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट जब जब चांसेस मिले, ऐसा नहीं है कि इन तीनों ने हर मैच में रन मारे, जब जब चांस मिला भी है मिडिल ऑर्डर को, तब तब भी वो लोग कुछ ऐसा एक्चुअली कर नहीं पाए हैं। आप अगर देखो प्लेयर्स लाइक महिपाल लोमरोर हो गए, दिनेश कार्तिक जो आप एज अ फिनिशर इतना ज्यादा उनको डाउट कर रहे थे, इस साल उन्होंने काफी खराब परफॉर्म किया है। उसके अलावा शाहबाज अहमद हो गए, अनुज रावत हो गए, सुरेश प्रभुदेसाई, इन सबको चांसेस मिले हैं, इन सब ने एक्चुअली कुछ नहीं किया है मिडिल ऑर्डर में। एंड उसी वजह से आप अगर देखो कि अगर तो 16-17 या 15 ओवर तक
इन ये तीन जो हमने नाम दिए कोहली डुप्लेसी और मैक्सवेल, ये तीनों अगर निपट लिए, तीनों अगर आउट हो चुके हैं, चाहे वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे 15 ओवर, आखिरी 5 ओवर में ये लोग कुछ नहीं करेंगे इस टीम, एंड वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले दोनों मैचेस में ये लोग अच्छा स्कोर करते करते कहीं ना कहीं रुक गए। इनकी बॉलिंग इनफैक्ट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी हो रही है, मोहम्मद सिराज बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एंड उनको इंडियन T20 टीम में एक मेन स्टे की तरह कंसिडर करना शुरू करना पड़ेगा। सिलेक्टर्स को बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पावर प्ले में अच्छी विकेट्स निकाल के देने हैं। आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं, आपके हर्षल पटेल हो गए, डेविड विली, हसरंगा, ये सब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक अच्छा सपोर्ट कास्ट बने हुए हैं सिराज के आसपास। पर मेन कंसर्न इनका वही है, मिडिल ऑर्डर जब तक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा ये टीम नहीं कर पाएगी कुछ। किसी तरह ये लोग अगर प्ले ऑफ कर भी गए, पर आपको एक प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर से परफॉर्मेंस चाहिए। आप उन तीन नामों पर रिलाय हर मैच में नहीं कर सकते, जितने मर्जी ग्रेट प्लेयर हो। तो अगर तो ये चीज सॉर्ट नहीं हुई और मिडिल ऑर्डर में किसी ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया, मिडिल ऑर्डर में किसी ने अच्छा परफॉर्म करना नहीं शुरू किया, तो ये टीम मुश्किल में आ जाएगी फिर से। अब आते हैं हम टॉप फोर में। अभी करंटली टॉप फोर में नंबर 4 पे है लखनऊ सुपर जायंट्स, और ये टीम ऑलमोस्ट एक अंडर द रेडार चल रही है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। स्टार्ट इन्होंने काफी सॉलिड किया था, एक मैजिकल विक्ट्री थी इनकी RCB के अगेंस्ट, पर उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे ये लोग जितना इनको कंसिस्टेंसी की जरूरत थी। एक अगर आप बात करें कि एक डिपार्टमेंट कोई ऐसा हो, वो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे कि हाँ इस डिपार्टमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है या इस डिपार्टमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। KL राहुल के स्ट्राइक रेट पे और KL राहुल के पावर प्ले के इंटेंट पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो जब जब वो खेलेंगे तब तक उठेंगे। आई डोंट थिंक वो इतने आराम से चेंज होने वाली चीज, पर उनके आसपास प्लेयर्स ने परफॉर्म अच्छा किया है, नो डाउट। बॉलिंग इनकी अच्छी चल रही है, स्पिन बॉलिंग में अगेन अमित मिश्रा एक्सपीरियंस प्लेयर, आउट ऑफ नोवेयर, कहां से है किसी को नहीं पता, इन्हें पिक करना ही सरप्राइज था लखनऊ का। इनको यूज बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो लोग, रवि बिश्नोई अच्छा कर रहे हैं, मार्क वुड अच्छा कर रहे हैं। आपकी बैटिंग में अगर देखो तो काइल मेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्कस स्टॉइनिस एज एन ऑलराउंडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, निकोलस पूरन पिछले 2-3 सीजन डिसअपॉइंट करने के बाद बहुत बढ़िया खेल गए हैं वो 2-3 मैचेस में इस सीजन में ऑलरेडी। दीपक हुडा के फॉर्म से थोड़ा बहुत कंसर्न होगा इस टीम का, आयुष बडोनी ने भी उतना इंप्रेस नहीं किया है, बट अगेन कृणाल पांड्या और बाकी सारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये डिपार्टमेंट एक ऐसा है, जैसा बैंगलोर के लिए था कि मिडिल ऑर्डर एक कंसर्न है, आप लखनऊ का ये नहीं बोल सकते हो कि ये डिपार्टमेंट एक कंसर्न है। पर कंसिस्टेंसी इनको थोड़ी सी पकड़नी पड़ेगी, अभी पावर प्ले इंटेंट अपना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये लोग अभी जो पीछे मैच हारे हैं गुजरात के अगेंस्ट, इनको 45 बॉल्स में सिर्फ 39 रन चाहिए थे, 9 विकेट्स थे इनके पास बचे हुए, कैसे हार गए किसी को नहीं पता, इन लोगों को ही नहीं पता। एंड टू बी वेरी फेयर, इस टाइप का कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो जाता है, इनको बहुत जल्दी उस चीज को भूलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा उस चीज से। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर देखो इस टीम में टैलेंट में, कैपेबिलिटी, फॉर्म में कोई कमी दिख नहीं रही है, मेंटालिटी पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इस टीम को अपनी, और वो अगर काम हो जाता है, आज अगर मेंटोर देखो तो गौतम गंभीर, एंडी फ्लावर है इनके साथ सपोर्ट स्टाफ में, तो इनके पास एक्चुअली एक्सपीरियंस है सपोर्ट स्टाफ में भी। इवन KL राहुल काफी टाइम से खेल रहे हैं, वो अपनी मेंटालिटी को कैसे शिफ्ट करते हैं पता नहीं, मेंटालिटी पे काम करने की जरूरत है इनको, बाकी सारा कोई बहुत लंबे चौड़े कंसर्न दिख नहीं रहे हैं। एक चीज इनको आने वाले टाइम में थोड़ा सा शायद एक कंसर्न हो सकता है, मार्क वुड अब अनाउंसमेंट आई है कि आखिरी कुछ मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी बेटी पैदा होने वाली है और उसके लिए वो वापस चले जाएंगे इंग्लैंड, तो उनके एब्सेंस में किस तरह से कोप करते हैं वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। पिछले 2 मैच मार्क वुड ने मिस किए इलनेस की वजह से, और नवीन और हक खेले उनकी जगह, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो शायद वही एक रास्ता हो सकता है। पर ओवरऑल इस टीम में कमी कुछ नहीं है, अपना बस मेंटालिटी पे काम करें, KL राहुल अपनी मेंटालिटी पे काम करें बाकी किसी और को कुछ बोलने से पहले, तो ये टीम काफी लंबा जा सकती है। अब बारी नंबर 3 राजस्थान रॉयल्स की। ये एक और ऐसी टीम है जो अगेन 8 पॉइंट्स पे है, अच्छा कर रहे हैं, पर मजा नहीं आ रहा उनको देख के, ऐसा कुछ अलग से नहीं दिख रहा कि अरे वाह क्या ही कर दिया। शुरू इन्होंने बहुत सॉलिड किया था, इनफैक्ट पहले 5 मैचेस में 4 मैच ये लोग जीत चुके थे, पर इश्यूज हैं ओवरऑल थोड़े बहुत अगर देखो तो। स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, युजवेंद्र चहल और अश्विन ने जिस तरह से अपना पिछले साल में पार्टनरशिप बनाया था स्पिन बॉलिंग में, इस बार भी उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है अभी तक। इवन एडम जाम्पा को जो उन्होंने ऐड किया, तो 1-2 मैचेस में जो उनको यूज किया एज अ थर्ड स्पिनर, वो काफी अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। फास्ट बॉलिंग अगर देखो तो ट्रेंट बोल्ट के अलावा कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकल के आया है, 1-2 मैच में संदीप शर्मा ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, पर ओवरऑल फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी कमी दिख रही है। बैटिंग में एक थोड़ा सा कंसर्न डेवलप होता दिख रहा है, ये लोग पिछले 2 मैच हार गए हैं और अभी तक जो
तीन मैचेस हारे हैं ये लोग, वहां पे जहां पे भी इनका बैटिंग फेल हुआ है, जहां पे भी चेज करते हुए इनका बैटिंग उतना अच्छा क्लिक नहीं किया है, वो ये तीनों मैच हार गए। अब अगर देखो तो संजू सैमसन और जॉस बटलर ये इनके मेन एक बैटिंग प्रोपोनेंट्स हैं, इनके बैटिंग मेन स्टेज हैं। शुरू इन दोनों ने ठीक ठाक किया था, संजू सैमसन ने एक दो मैचेस में अच्छा किया है, जॉस बटलर ने 3,450 भी कर ली है, पर कंसिस्टेंटली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और जहां पे वो लोग सस्ते में आउट हो जाते हैं वहां पे ये टीम को मुश्किल होती है। यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पाटिकल ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, पर ओवरऑल जब तक सैमसन और बटलर का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, पिछले साल बटलर ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया था उस टाइप का, ठीक है एक और एक सीजन लगातार एक्सपेक्ट करना मुश्किल है नो डाउट, पर कहीं उसके आसपास जाने की जरूरत है अगर इस टीम को लंबा जाना है इस टूर्नामेंट में। एंड एक बहुत बड़ा एक अजीब सा सिस्टम बन रहा है इस टीम का। बाकी सारी टीम्स इंपैक्ट प्लेयर्स को यूज कर रही है अपने बोलिंग ऑप्शन को बढ़ाने के लिए या बैटिंग ऑप्शन को बढ़ाने के लिए, ये टीम समहाउ इंपैक्ट प्लेयर रूल के बावजूद सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ उतर जाती है। 5 में से एक है आपके जेसन होल्डर जो कि एक प्रॉपर बोनाफाइड ऑलराउंडर है, आप उस ऑलराउंडर की बैटिंग ढंग से यूज कर नहीं रहे हो। अगर आपको उसकी बैटिंग पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जबकि वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, एंड में आके अच्छे लंबे लंबे टांग सकते हैं, पर अगर आपको उनकी बैटिंग यूज नहीं करनी है तो आप उबेद मैकॉय को खिलाओ क्योंकि एज अ बॉलर उबेद मैकॉय बेटर है जेसन होल्डर से। तो ये एक थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम बन रहा है और इन लोगों के पास हमेशा 5 ऑप्शन होते हैं, जहां पे पिछले मैच में हमने देखा बैंगलोर के अगेंस्ट संदीप शर्मा को अच्छा चढ़ा दिया था फाफ डुप्लेसी और मैक्सवेल ने, तो आपके पास अगर कोई ऑप्शन होता तो एक आधा ओवर आप उससे भी निकलवा सकते थे। आप वो इम्पैक्ट प्लेयर जब सारी टीम यूज कर रही है, हमने प्रीव्यू में भी बात की थी कि इस टीम का पिछले साल भी यही स्ट्रक्चर था 6 और 5 वाला, इस बार इम्पैक्ट प्लेयर रूल इनको एक्चुअली हेल्प कर सकता है, पर आप उसको यूज ही नहीं करोगे तो क्या ही कर लेगा वो रूल। तो ये एक अजीब सी स्ट्रैटेजी लगी मुझे, अगर ये स्ट्रैटेजी फिक्स कर लें ये लोग या इन्हीं प्लेयर्स से कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल लें ये लोग तो फिर टॉप 2 के कंटेंडर्स रह सकते हैं जैसे पिछले साल ये लोग फाइनल तक पहुंचे थे, पर अगर ये चीजें फिक्स नहीं कर पाए तो ये कहीं ना कहीं उस रेस में पीछे रह सकते हैं। फिर आते हैं गुजरात टाइटंस, लास्ट ईयर के चैंपियंस, हमारे अभी के डिफेंडिंग चैंपियंस। ये टीम समहाउ एक बहुत सॉर्टेड वाइब देती है, इस टीम में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई घबराहट में खेल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है कि ये भी चेंज कर लो वो भी चेंज कर लो, सब अपने अपने रोल्स में फिट हैं। हर मैच में कोई ना कोई 2-3 लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं मैच जिताने के लिए, शुभमन गिल बहुत बढ़िया स्टार्ट दे रहे हैं, राहुल तेवतिया एक बहुत बढ़िया फिनिशर डेवलप होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये लोग अभी तक 2 मैच हारे हैं, दोनों मैच ऑपोजिशन की ब्रिलियंस की वजह से हारे हैं, अपनी किसी गलती से नहीं हारे ये लोग अभी तक। एक तो वही था रिंकू सिंह वाला मैच जिसमें आखिरी ओवर में 5 छक्के लग गए थे, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, पर उसके अलावा इस टीम में कोई भी ऐसे घबराने वाली चीज है नहीं। बहुत सॉलिड बैटिंग यूनिट है, बहुत ही स्टेबल बॉलिंग यूनिट है इनका, इनफैक्ट बॉलिंग यूनिट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। नूर अहमद को भी इन्होंने ऐड कर दिया राशिद खान के साथ, तो वो एक अजीब सा यूनिट बन गया है, दोनों ही नहीं समझ आ रहे किसी को, दोनों को ही नहीं मार पा रहे लोग। तो इस टीम में लिटरली अगर देखा जाए तो कमी कोई नहीं दिख रही है, सब अपने अपने रोल में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, सब अपने अपने रोल में सेट हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। इस कोचिंग यूनिट को बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत है इस पॉइंट इन टाइम पे, एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो टॉप 2 में फॉर श्योर ये लोग पहुंच जाएंगे, रहेंगे, अभी हैं ऑलरेडी ये लोग नंबर 2 पे हैं टेबल में, अगर इसी तरह से रहे तो ये लोग फिर टॉप 2 में रहेंगे पिछले साल की तरह। एंड राहुल तेवतिया अगर इस तरह के 3-4 और मैचेस खेल गए तो फॉर श्योर इस साल में इंडियन T20 सेटअप में उनको आना है, उनको खिलाने की जरूरत है इंडिया टीम को। एज अ फिनिशर उससे बढ़िया प्लेयर अभी कोई और है नहीं इतने ज्यादा, जो इतने कंसिस्टेंटली फिनिशिंग का रोल अच्छे से कर रहे हैं। उसके अलावा एक और थोड़ी सी बातें चलनी शुरू हो रही हैं कि आशीष नेहरा को आप इंडियन व्हाइट बॉल टीम का कोच बना दो, और अगर इसी तरह से टीम परफॉर्म करती रही गुजरात टाइटन तो आप कंसिडर कर सकते हो उस चीज को एक ऑप्शन की तरह देख सकते हो फॉर श्योर। अब आते हैं लास्ट अभी की नंबर 1 टीम चेन्नई सुपर किंग। अगर आप स्क्वाड देखो, अगर आप टीम देखो तो ये प्रिटी मच पिछले साल वाली टीम है, सेम ही ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स सेम है। पिछले साल लोग सेकंड लास्ट फिनिश किए थे, इस साल ये लोग ऑलरेडी टॉप पे हैं। धोनी मैजिक कह लो या और कुछ जादू कह लो कि सारे लोग क्लिक कर रहे हैं, अब सब अच्छे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आपका अगर टॉप ऑर्डर देखो तो डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं आपकी टीम को। आप अगर मिडिल ऑर्डर में देखो शिवम दुबे, MS धोनी खुद, रविंद्र जडेजा अच्छे से फोड़ रहे हैं बोलिंग अटैक्स को। पर इस सब में जो एक बहुत बहुत बड़ा एक सरप्राइज शॉक बोलूंगा मैं जिस चीज को,
अजिंक्य रहाणे के परफॉर्मेंसेस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अगर आपको सीजन से पहले कोई बोलता कि अजिंक्य रहाणे इस तरह से फोड़ के खेलेंगे, आपको 29 बॉल में उन्होंने लास्ट मैच में 29 बॉल में 70 रन बनाए थे, इस तरह की इनिंग्स आप अगर कोई बोले इस सीजन से पहले कि अजिंक्य रहाणे के बैट से निकलेंगी तो वो झूठ बोल रहा फॉर श्योर। अगर कोई आपको बोले कि हाँ मैंने तो पहले ही बोला था, नहीं झूठ बोल रहे थे। तो अजिंक्य रहाणे एक अलग ही रेवलेशन बन के आए हैं इस टीम के लिए, एंड उस परफॉर्मेंस जो उन्होंने नंबर 3 पे परफॉर्मेंसेस दिए हैं इस टीम को, वो इस टीम को बहुत लंबे तरीके से खींच रही है। उसके अलावा आपका स्पिन बॉलिंग यूनिट तो बहुत सॉलिड है ही आपके उस, और एक और MS धोनी का मैजिक, फास्ट बॉलिंग यूनिट काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, आकाश सिंह, तुषार देशपांडे, महेश पथिराना जो श्रीलंका के बॉलर है, ये सारे इनएक्सपीरियंस बॉलर हैं फास्ट बॉलिंग में। दीपक चहर जो एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर थे वो इंजर्ड हो गए थे पहले 2-3 मैच में, पर उनकी कमी कहीं महसूस नहीं हो रही है। फास्ट बॉलिंग यूनिट भी अच्छा कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की गाइडेंस में। तो ये एक अगेन वेल ऑयल्ड मशीन की तरह टीम चल रही है, कोई कमी नहीं है इस टीम में एट दिस पॉइंट इन टाइम। हर डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से कर रहा है, हर प्लेयर अपना रोल समझ रहा है, हर प्लेयर अपना रोल अच्छे से निभा रहा है। एंड अगेन धोनी ने एक दो बार इंडिकेट किया है कि ये लास्ट सीजन हो सकता है। अभी कोलकाता वाले मैच में उन्होंने ऑलमोस्ट ये बोल ही दिया कि अरे हाँ यहाँ पे बड़े सारे लोग आए हैं चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं, बट आई एम श्योर ये लोग सारे अगले साल कोलकाता को सपोर्ट करेंगे, मेरे ख्याल से ये लोग मेरे को फेयरवेल सा देने आए हैं। तो ये एक सुनने में बड़ा सैड सा लगता है, बट वी ऑल न्यू कि आने वाला है, वी आर होपिंग कि एक और साल हो जाए, पर थोड़ा सा इंडिकेशन हो रहा है। और अगर ये एक्चुअली उनका लास्ट सीजन है तो ये टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उनको टाइटल जिता के भेजे, एंड इनके परफॉर्मेंसेस को देख के लग रहा है कि ये टाइटल के आसपास तो फॉर श्योर पहुंच जाएंगे। आपके हिसाब से कैसा रहा है अभी तक का ये IPL 2023 सीजन, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके हिसाब से कौन एक्चुअली टाइटल चैलेंजर्स होने वाले हैं, कौन सी टीम है जो अभी टॉप 4 में नहीं है पर एक्चुअली टॉप 4 में गेट क्रैश कर सकती है, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो ताकि YouTube इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, एंड आप भी इसे प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है इंडियन स्पोर्ट्स के अराउंड, और भी हम लोग काफी सारी स्टोरीज कर रहे हैं इस टाइप का और इंडियन स्पोर्ट्स के अराउंड कॉन्टेंट अगर देखना चाह रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।